फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अन्नपूर्णा किचन में। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है बेसन की पकौड़ी वाली कढ़ी। कैसे बनाई जाती है आज मैं आप लोगों को अपने किचन में ये बताऊंगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं बेसन की पकौड़ी वाली कढ़ी। ये मैंने 2 कटोरी दही लिया है। अगर हम इसे वेट में देखें तो ये 250 ग्राम है और मैंने 1.5 कटोरी इसमें बेसन लिया है, जिसमें 1 कटोरी जो है इसका जो है हम पकौड़ी बनाएंगे। जो भरी वाली कटोरी है इसकी हम पकौड़ी बनाएंगे और ये जो आधा कटोरी बेसन है इसका हम घोल बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फिर पहले पकौड़ी पहले पकौड़ी का घोल बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे। ये मैं हींग डालूंगी। हींग जो है पाचक होती है और इससे जो है फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है हींग से। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोलेंगे। थोड़े पानी के साथ ही इसको घोलना है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इतना फेंटना है कि इसमें जो है बबल्स से आने लगेंगे और बेसन एकदम आपको हल्का सा महसूस होने लगेगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, ये ऊपर ये इसमें बबल्स भी आ रहे हैं ऊपर और इसने कलर भी चेंज कर दिया है। कि ये हम जरा सा बेसन लेंगे और इसको पानी में डालेंगे, ये ऊपर आ जाएगा। देखिए, ये ऊपर आ चुका है, यानी कि यही हमारी पहचान है कि ये घोल हमारा पकौड़ी वाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। तब तक हम कढ़ी वाला जो है घोल तैयार करते हैं। ये दही हम इसमें डालेंगे और इसी के साथ ये बेसन भी मैं इसी में डालूंगी और इसको अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। डालेंगे थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे बेसन का 8 गुना, यानी कि जैसे हमने 1.5 कटोरी बेसन लिया है तो हमें 8 कटोरी पानी डालेंगे। 1, 2, 3, ये 4 कटोरी पहले डालूंगी मैं इसे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। बैटर भी हमारा तैयार हो चुका है, भी हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल हमें कम डालना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो हमारी कढ़ी की पकौड़ी ऊपर उठ नहीं पाएगी और वो ठोस बनेगी। फ्लेम जो लो पे होगा और जब पकौड़ी सब पड़ जाएंगी तो हम गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देंगे। पकौड़ी डालेंगे हम इसमें। अब इसको अपने आप सिकने देंगे। देखिए, ये इसमें छोटे छोटे बबल्स पड़ रहे हैं। ये हमारी पहचान है कि हमारी जो पकौड़ी बनेंगी वो बहुत ही फोकी बनेंगी और जो इसके ये जो छेद हैं इसमें हमारा जो कढ़ी का रसा होगा ये इसमें भर जाएगा। अब इसको हम पलट लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम पे। पकौड़ी हमारी गुलाबी हो चुकी है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरी बार में भी डालूंगी छोटी छोटी पकौड़ी। ये पकौड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और मैंने कढ़ाई में इतना घी छोड़ दिया है, बाकी का निकाल लिया है। ही हमारा गरम हो चुका है। अब मैं ये इसमें थोड़ी सी मेथी और जीरा 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच सूखी मेथी के दाने डालूंगी ये इसमें। और ये मैं हल्दी पाउडर डालूंगी, ये मैंने 1 चम्मच लिया है। मिर्च पाउडर ये 1/2 चम्मच लिया है। ये हींग लिए जो मैं इसमें डालूंगी, 2 पिंच हींग है। हींग से कढ़ी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब मैं इसमें जरा सा पानी डालूंगी जिससे ये मसाला हमारा जले नहीं।
अब ये मसाला हमारा इसमें जलेगा नहीं। अब मैं इसमें डालूंगी ये चार हरी मिर्चें। ये मिर्च में हमें इस तरीके से एक चीरा लगा लेना है जिससे हमारी मिर्च में अच्छे से रस भर जाएगा। मैं इसमें डाल दूंगी, इस समय पे मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये दही। अगर मैं जलती हुई गैस पे दही डालूंगी तो दही हमारा फट जाएगा, इसलिए मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। और इसी समय पे हम ये इसमें इस घोल भी डाल देंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। जो है कटोरा, इसको धो के इसका पानी भी हम इसी में डाल देंगे। ये मैंने 8 कटोरी पानी डाला है, जिस कटोरी से हमने बेसन का नाप लिया था इसी से मैंने 8 कटोरी पानी डाला है इसमें। अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसको चलाएंगे जब तक इसमें खोल नहीं आ जाएगा। अगर इसमें इसको हम चलाएंगे नहीं तो ये नीचे से बेसन लग जाएगा हमारा। देखिए कड़ी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। ये नमक 1 चम्मच मैंने लिया है स्वाद के। अब ये इसमें खोल आ रहा है, इसी समय पे मैं ये पकौड़ियां भी इसमें डाल दूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम कर दूंगी, को 10 मिनट तक खोलाएंगे हम। कड़ी में हमारा अच्छे से खोल आ रहा है, यानी कि कड़ी हमारी बन चुकी है। इसे 10 मिनट हो चुके हैं बनते हुए। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और एक छोटा सा छौका बनाऊंगी इसमें डालने के लिए। मैंने ऑन कर दिया है। अब 1 चम्मच मैं इसमें ऑयल डालूंगी। मिर्च भुन चुकी है, गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। हाँ मैं, और अब मैं डाल दूंगी इसमें ये मिर्च। हम इसके कड़ी के ऊपर डालेंगे। तैयार हो चुकी है बेसन की पकौड़ी वाली कड़ी। आप भी इसे ज़रूर बनाएं। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में।